मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। चीन और दीगर ममालिक जम्हूरियतों के साथ जारहाना खेल खेल रहे हैं। कैनेडियन वजीर आजम का इंतखाबात में चीन की मुबैना मदाखलत की रिपोर्ट पर रद्द अमल। ट्रूडो का कहना है कि कौमी सलामती को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। सिटी ऑफ टोरंटो में बेघर अफराद की मदद के लिए मंसूबा जारी कर दिया। मंसूबे में मौजूदा शेल्टर्स में गुंजाइश को बढ़ाया जाएगा। माहरीन ने मंसूबे को नाकाफी करार दे दिया। कैनेडियन फौजी की इराक में हलाकत। हलाक फौजी ऑपरेशन ऑफिसर के तौर पर काम कर रहा था। कैनेडियन मुसल्ला अफवाज हलाकत की तहकीकात कर रही है। अमेरिका यूक्रेन की मदद रोक सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल में कहा गया है कि अमेरिका का एक पैसा भी यूक्रेन नहीं जाएगा। यूक्रेन को भी अब अमेरिका की जानिब से मजीद इमदाद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अक्वामे मुत्तहिदा का ग्लोबल अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने का ऐलान। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि 5 साल के मंसूबे पर $3 अरब की लागत आएगी। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए मिलकर काम करना होगा। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि चीन और दीगर ममालिक जम्हूरियतों के साथ जहराना खेल खेल रहे हैं। दीगर अहवाल जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि चीन और दीगर ममालिक जम्हूरियतों के साथ जारहाना खेल खेल रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि इन इत्तेलात के दरमियान के बीजिंग मुबैना तौर पर गैर मुल्की मदाखलत की एक वसी मुहिम के साथ कनाडा को निशाना बना रहा है। वजीर आजम ने मकामी चैनल की तहकीकात पर अपना रद्द अमल दिया, जिसमे एक मुहिम में इंतखाबात में मदाखलत के दीगर इल्जामात के अलावा 2019 के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले कम अज कम 11 वफाकी उम्मीदवारों के खुफिया नेटवर्क को फंड देने के लिए चीन की तरफ से की जाने वाली मुबैना कोशिशों का जिक्र किया गया है। ट्रूडो ने मॉन्ट्रियल में सहाफियों को बताया कि हमने अपने इंतखाबी अमल और अपने निज़ाम की सालमियत को मजबूत बनाने के लिए अहम इकदामात किए हैं और हम इंतखाबी मदाखलत अपनी जम्हूरियत और इदारों में गैर मुल्की मदाखलत के खिलाफ जंग में सरमायाकारी जारी रखेंगे। बदकिस्मती से हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के ममालिक रियासती अराकीन, चाहे वो चीन हो या दीगर, हमारे इदारों हमारी जम्हूरियतों के साथ जारहाना खेल जारी रखे हुए हैं। ट्रूडो ने कहा कि हुकूमत कौमी सलामती को बेहतर बनाने के लिए हमारी इंटेलिजेंस कमेटियों और हुक्काम के साथ मुसलसल काम कर रहा है। उन्होंने मिसाल के तौर पर 2018 में पार्लियामेंटेरियंस की कौमी सलामती और इंटेलिजेंस कमेटी की तशकील का हवाला दिया। सिटी ऑफ टोरंटो ने बेघर अफराद की मदद के लिए अपना मंसूबा जारी किया है, क्योंकि दर्जे हरारत बतदरीज गिरना शुरू होता है। दीगर अहवाल जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। सिटी ऑफ टोरंटो ने बेघर अफराद की मदद के लिए अपना मंसूबा जारी किया है, क्योंकि दर्जा हरारत बतदरीज गिरना शुरू होता है। मुख्तलिफ वकालत करने वाले ग्रुप पहले ही इन इकदामात पर तनकीद कर रहे हैं। कहते हैं कि ये शहर के सबसे ज्यादा कमजोर रिहायशों की हिफाजत के लिए नाकाफी है। ये मंसूबा मौजूदा जगहों पर गुंजाइश को बढ़ाने के वादे के साथ आया है, लेकिन शहर के मालियात के साथ साथ पनागाह का निज़ाम भी मुश्किल हो गया है, जिससे हुकूमत की दीगर सतहों से मजीद फंडिंग का मुतालबा किया गया है। शहरी हुकाम ने कहा है कि उनका शेल्टर सिस्टम इस वक्त एक रात में 1600 से जायद लोगों को रिहाइश दे रहा है, जो उसने पिछले साल के इस वक्त के मुकाबले में किया था, और अब ये तादाद तकरीबन 8201 रात में है। सूबे और वफाकी हुकूमत की जानिब से हंगामी कोविड-19 माली इमदाद के खात्मे की वजह से जारी तनाव के साथ बढ़ती हुई मांग
उसी वक्त सामने आई है जब टोरंटो एक वबाई लीज के खात्मे की वजह से हंगामी पनागाह वाले होटल को बंद कर रहा है। उन्होंने कहा कि शहर पनागाहों पनाह गुजीनों के लिए मखसूस सिटिंग्स और नए सस्ते घरों में तौसी सलाहियत के जरिए 1000 से ज्यादा जगह बनाएगा। शदीद सर्द मौसम के दौरान शहर वार्मिंग सेंटर्स में 60 जगहों तक को चालू करेगा जो इस वक्त मेट्रो हॉल और स्कारब्रो सिविक सेंटर में पेश किए जाते हैं। कैनेडा की मुसल्ह अफवाज का कहना है कि वो विनीपेग से ताल्लुक़ रखने वाले एक फ़ौजी की मौत की तहकीकात कर रही है जो इराक में खिदमात अंजाम दे रहा था। तफसील जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। कैनेडा की मुसल्ह अफवाज का कहना है कि वो विनीपेग से ताल्लुक़ रखने वाले एक फ़ौजी की मौत की तहकीकात कर रही है जो इराक में खिदमात अंजाम दे रहा था। कैप्टन एरिक च्योंग की मौत हफ्ते की रोज़ हुई जिसको फौज गैर ऑपरेशन मुतालिका हालात कह रही है, हालांकि सही तफसीलात अब ज़ेरे तफ्तीश हैं। एक बयान में फौज का कहना है कि च्योंग इराक में तैनाती से कबल विनीपेग में 38 कैनेडियन ब्रिगेड ग्रुप हेडक्वार्टर के साथ एक ऑपरेशन ऑफिसर के तौर पर काम कर रहा था। वो बगदाद में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड दी लियंट के नाम से मशहूर अस्करियत पसंद ग्रुप के खिलाफ अमरीकी क्यादत में इत्तेहाद के एक हिस्से के तौर पर काम कर रहा था जब उसकी मौत वाकई हुई। कनाडा की फौज 2014 से इराक में मौजूद है जब दाइश ने पहली बार एक बड़े इलाके पर कब्जा किया और इस्लामी खिलाफत का ऐलान किया, लेकिन कनाडा गुज़िश्ता बरसों के दौरान खित्ते में अपनी मौजूदगी को मुस्तकिल तौर पर कम कर रहा है। मुल्क में सिर्फ चंद फौजी अहलकार बाकी रह गए हैं क्योंकि दीगर तरजीहात सामने आई हैं। अगर रिपब्लिकन पार्टी के नुमाइंदे कांग्रेस के वस्त मुद्दती इंतखाबात में कामयाब हो जाते हैं तो अमरीका कीव की इमदाद को मुकम्मल तौर पर कम या रोक सकता है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अगर रिपब्लिकन पार्टी के नुमाइंदे कांग्रेस के वस्त मुद्दती इंतखाबात में कामयाब हो जाते हैं तो अमरीका कीव की इमदाद को मुकम्मल तौर पर कम या रोक सकता है। ये बात अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने अपने एक आर्टिकल में कही। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में रिपब्लिकन मार्जोरी टेलर ग्रीन का हवाला दिया जिन्होंने कहा था कि रिपब्लिकन्स के मुताबिक अमरीका का एक पैसा भी यूक्रेन नहीं जाएगा। आर्टिकल के मुताबिक इंतखाबात के मौके पर रिपब्लिकन पार्टी के मुख्तलिफ उम्मीदवारों और कानून साजों ने फंडिंग रोकने की तरफ इशारा किया है। वाशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल में कहा गया है कि रिपब्लिकन पार्टी वस्त मुद्दती इंतखाबात में नुमाया कामयाबियां हासिल करने के लिए तैयार है और मुमकिन तौर पर यूक्रेन की मज़हमत की हिमायत करने के लिए अमरीका के पूरे तरीक़े कार को बेहतर बनाएगी। अखबार के मुताबिक तवक्को है कि रिपब्लिकन क़यादत ऐवान में अमरीकी सदर जो बाइडन इंतज़ामिया को अफगानिस्तान से अमरीकी इनखिला से निमटने की पॉलिसी के अलावा ईरान पर सियासी दबाव में इजाफी दबाव बढ़ाएगी। रिपब्लिकन पार्टी के अंदाज़ों के मुताबिक यूक्रेन को भी अब अमरीका की जानिब से मज़ीद इमदाद की उम्मीद नहीं करना चाहिए। इस बात पर गौर करते हुए कि कांग्रेस ने यूक्रेन के लिए पहले ही 60 बिलियन डॉलर की इमदाद की मंजूरी दे दी है और कीव मुसलसल मगरिब से इमदाद की रकम बढ़ाने के लिए कह रहा है। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि माहौल दोस्त तवानाई के हुसूल के लिए काम करना वक्त की जरूरत है। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस तबाहकुन तूफानों से खबरदार करने के लिए अक्वामे मुत्तहिदा की जानिब से ग्लोबल अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने का ऐलान किया गया है। एंटोनियो गुतरेस ने कहा, दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस का सामना है। बढ़ते दर्जा हरारत से माहौलियात पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। बड़ी मईशतों को मौसमियाती तब्दीली के हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहिए। दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस रिकॉर्ड तोड़ बारिशें तूफान और सैलाब का सामना करना पड़ा है। इसी सिलसिले में अक्वामे मुत्तहिदा ने तूफानों से खबरदार करने के लिए ग्लोबल अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने का ऐलान किया है। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने COP27 कॉन्फ्रेंस के मौके पर कहा कि 5 साल के मंसूबे पर $3 अरब की लागत आएगी। अक्वामे मुत्तहिदा के मुताबिक नाकाफी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले ममालिक में आफात से होने वाली अमवात औसतन 8 गुना ज़ायद होती हैं। कॉन्फ्रेंस में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने 10 साल के दौरान ग्रीन इनिशिएटिव के लिए $2.5 अरब देने का ऐलान किया है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।